नमस्कार साथियों, अवनीश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। यहां पर दोस्तों आपका बीएससी एग्रीकल्चर का जो कोर्स है इंट्रोडक्टरी एग्रो मेटियोरोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज परिचयात्मक कृषि मौसम विज्ञान एवं जलवायु परिवर्तन, उसका लेक्चर नंबर जो आपका यूनिट छठवां है तो उसके लिए लेक्चर नंबर 6 लेकर आए हैं। इसमें हम प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, चूँकि 10 यूनिट हैं आपके यहाँ पर एग्रो मेटियोरोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज में इंट्रोडक्टरी में, तो यहाँ पर हमने आपको 5 यूनिट यानी आपका कंप्लीट करा है। आज की 6 यूनिट में हम प्रेसिपिटेशन में यानी वर्षण देखेंगे। देखिए कभी कभी प्रेसिपिटेशन को हिंदी में वर्षा लिख दिया जाता है जो कि गलत है। प्रेसिपिटेशन हिंदी में इसको वर्षण बोला जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको हम 3 यूनिट में कंप्लीट करेंगे। आज हम देखते हैं चूँकि बड़ी यूनिट है तो अब 1 घंटे का लेक्चर हो जाएगा तो वो नहीं ठीक रहेगा, 3 यूनिट में इसीलिए हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 20-20 मिनट से ज़्यादा की नहीं होगी एक यूनिट, मैं तो बोल रहा हूँ 10-15 मिनट की होगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रेसिपिटेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। वायु की, देखिए इसी प्रेसिपिटेशन में, इसी चैप्टर में, इसी यूनिट में आपको ओला पढ़ना है और जो आपका रेनफॉल होता है वो पढ़ना है, फिर जो आपका पाला पड़ता है, कुहरा पड़ता है, कुहासा पड़ता है, सारी चीज़ें, फॉग ड्यू इसी चैप्टर में पढ़नी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, मुझे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है ये। ठीक है, अब देखिए वायु की जलवाष्प जो वाटर वेपर है वो संघनित होकर, कंडेंस होकर, मतलब जल में यानी लिक्विड में या स्नो में या आइस के रूप में बदल जाती है और नीचे गिरती है, तो उसी को कहते हैं यहाँ पर प्रेसिपिटेशन। ये कह रहा है ये कि जो वाटर वेपर है वो काफ़ी ज़्यादा कंडेंस हो जाती है तो वो लिक्विड में या सॉलिड में बदल कर वो वापस पृथ्वी पर गिरने लगती है, यही प्रेसिपिटेशन कराता है। यहाँ पर देखिए कोई भी द्रव या जमा हुआ जल जो वायुमंडल में बनता है और वापस पृथ्वी पर गिरता है उसे वर्षण कहते हैं। यानी एनी लिक्विड और फ्रोजन वाटर दैट फॉर्म्स इन एटमोसफेयर एंड फॉल्स बैक टू द अर्थ दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। यानी कोई भी जमा हुआ जल मतलब बर्फ या जल जो वायुमंडल में बनता है तथा वापस पृथ्वी पर गिरता है उसी को कहते हैं प्रेसिपिटेशन। देखिए यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं नोट्स तैयार करता हूँ। एग्जाम्पल हम, ये सबका ड्यू है यानी ओस है, कुहरा यानी फॉग है, वर्षा यानी रेनफॉल, चूँकि जो बारिश होती है वो हिमपात यानी स्नोफॉल, जो आप पढ़ते हैं कहते हैं कि बर्फ़ पड़ रहा है। ठीक है, देखिए वर्षा टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन मेनली 3 प्रकार का होता है और ये 3 प्रकारों में और भी इसके सब टाइप्स होते हैं। पहला होता है गैसियस प्रेसिपिटेशन, दूसरा लिक्विड प्रेसिपिटेशन और तीसरा सॉलिड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए गैसियस प्रेसिपिटेशन में जो कंडेंसेशन रेट है वो स्लो होगा यानी संघनन दर धीमी होगी, लिक्विड प्रेसिपिटेशन में मीडियम रेट से कंडेंसेशन होगा और यानी मध्यम होगी, और जो गैसियस प्रेसिपिटेशन है उसमें काफ़ी हाई रेट से यहाँ पर कंडेंसेशन होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए आप लोग गैसियस प्रेसिपिटेशन में आपका क्या क्या आएगा पूछा जाता है। ड्यू यानी ओस आएगा, कुहरा यानी फॉग आएगा। तो कुहरा 2 प्रकार का होता है, अंतर वायु राशि और सीमांत कुहरा। ठीक है, यानी इंटर एयर फ्लो और फ्रंटल एयर फ्लो। अब देखिए यहाँ पर स्मग बीसी में आएगा गैसियस में ही, या फोटोकेमिकल स्मग बीसी को बोलते हैं, और मिस्ट यानी धुंध आएगा। ठीक है, फिर लिक्विड प्रेसिपिटेशन में जो आप बारिश होती है आपको पता ही है, अभी चूंकि मानसून चल भी रहा है तो जो बारिश हो रही है वो आएगी, और पर्वतीय वर्षा यानी ओरोग्राफिक रेनफॉल, संवहनीय वर्षा यानी कन्वेक्शनल रेनफॉल, चक्रवातीय वर्षा यानी साइक्लोनिक रेनफॉल, तड़ित झंझा यानी थंडर स्टॉर्म, जो बिजली कड़कती है काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है उसको बोलते हैं मानसूनी, जो अभी मानसूनी वर्षा चल रही है। यहाँ पर देखिए अभी प्रेजेंट में मानसूनी वर्षा यानी मानसूनल रेनफॉल। ठीक है, ये सितंबर लास्ट और अक्टूबर तक ये भारत से लौटती है, अभी जो मानसून चल रहा है साउथ वेस्ट मानसून, और कृत्रिम वर्षा जो कराई जाती है बादलों में ड्राई आइस और सिल्वर आयोडाइड डालकर, तो यहाँ पर आर्टिफिशियल रेनफॉल है। देखिए कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ जो नोट्स में नहीं लिखी होती हैं तो वो आपको वो नोट कर लेनी है तुरंत। ठीक है, और आपको कापी पेन लेकर बैठना है। ठीक है, बूंदाबांदी यानी ड्रिजल, क्योंकि बूंदाबांदी जो होती है वो भी इसी में आती है। फिर यहाँ पर देखिए जो आपका सॉलिड रेन प्रेसिपिटेशन है इसमें आपका क्या क्या आएगा मैं आपको बता देता हूँ। तो सॉलिड में आपका जो है यहाँ पर देखिए हिमपात यानी स्नोफॉल, ओलावृष्टि यानी हेलफॉल, सहीम जिसको स्लीट बोलते हैं यानी सहीम मतलब है हिम के साथ, तो इसमें ओल भी होता है और द्रव जो वाटर है वो भी होता है उसी को स्लीट बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए वर्षण के रूप फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, अभी तो हमने टाइप देखा लिक्विड सॉलिड गैस और उसके अंदर के टाइप देखा, अब हम उनके बारे में एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। गैसीय वर्षण गैसियस प्रेसिपिटेशन में हम सबसे पहले यहाँ पर गैसियस का बात करेंगे, और गैसियस में भी सबसे पहले हम बात करेंगे ओस यानी ड्यू का।
तो देखिए ओस क्या है, एक प्रकार का मॉइस्चर है, नमी है, जो कंडेंसेशन के परिणाम स्वरूप बनती है, यानी ड्यू इज द मॉइस्चर दैट फॉर्म्स एज अ रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अब विशेषकर रात में ठंडे पिंडों की सतहों पर, जो नाइट का टाइम है उसमें जो ठंडे पिंड हैं, कोल्ड बॉडीज हैं, उनकी जो सतहें हैं, जो उनकी सरफेस है, उसमें जो मॉइस्चर है, नमी है, वो संघनित होकर, कंडेंस होकर हो जाती है, उसी को ओस बोलते हैं। यानी मॉइस्चर कंडेंस्ड अपॉन द सर्फेसेज ऑफ कूल बॉडीज स्पेशली एट नाइट। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए, ओस वातावरण में फैले हुए वाष्प का वह रूप है जो जमकर जल बिंदु अथवा छोटी छोटी बूंदों के रूप में परिवर्तित होकर पृथ्वी पर गिरता है। ओस बनने की प्रक्रिया संघनन को से सीधे जुड़ी होती है। वातावरण में 100% सापेक्षिक आर्द्रता होने पर वायु जो है वो संतृप्त यानी सेचुरेट हो जाती है और संघनन जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। ओसांक बिंदु यानी ड्यू पॉइंट क्या होता है, तो जिस तापमान पर जो हमारी एयर है वो सेचुरेट हो जाती है उसी को हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट यानी ओसांक बिंदु। यदि तापमान 32 डिग्री फारेनहाइट से एबव है, उसके ऊपर है, तो तरल रूप में ओस, कुहरा, बादल, ये चीज़ें प्रकट होंगी। अब ओस बनने के लिए कुछ शर्तें हैं, चूंकि कुछ कंडीशन हो तभी ओस बन पाएगी, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ओस बनने के लिए आवश्यक शर्तें, नेसेसरीज कंडीशन फॉर ड्यू फॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पर देखिए, ठंडी एवं लंबी रात हो, आकाश जो है वो स्वच्छ हो, वायु में आपकी पर्याप्त नमी हो, शांत वायु हो, संघनन हिमांक से ऊपर हो। ठीक है, जो कंडेंसेशन है वो आपके ड्यू पॉइंट से एबव हो। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए, दिन में सौर विकिरण से धरातल गर्म, वायु भी गर्म तथा वाष्पीकरण होता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखने की, जो दिन में होगा उसमें जो सेल, चूँकि सोलर रेडिएशन हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं आपकी पिछले यूनिट्स में, ठीक है, तो उसे धरातल गर्म होगा, वायु भी गर्म होगी, तो वाष्पीकरण होता है। ठीक है, जबकि रात में धरातल ठंडा हो जाता है, चूँकि सूर्य निकला नहीं है तो सौर विकिरण होगा नहीं, तो धरातल ठंडा हो जाएगा और संपर्क की वायु ठंडी हो जाती है जाए, क्योंकि जबकि उसके ऊपर देखिए हो जाए कि जबकि उसके ऊपर की वायु अपेक्षाकृत गर्म रहेगी। तापीय प्रतिलोमन जिसको बोलते हैं थर्मल इन्वर्जन, ठीक है, ये क्या होता है, इसमें आपका ये होता है कि इसी को टेम्परेचर इन्वर्जन भी बोलते हैं, थर्मल इन्वर्जन को भी, तो इसमें नीचे ठंडी हवा बहती है। ठीक है, संघनन के फलस्वरूप जलवाष्प धरातल, ऊपर गर्म हवा, ठीक है, होता है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि संघनन के फलस्वरूप जलवाष्प धरातल जो है ऊपर गर्म हवा एवं ठोस वस्तुओं जो पेड़ पौधे की पत्तियों में लिपट कर छोटी छोटी जल की बूंदें बन जाती हैं, इन्हीं को ओस कहते हैं। यहाँ पर फिर देखिए, कुहरा इसको बोलते हैं फॉग, ये क्या होता है, धरातल के निकट एक बादल, देखिए अब कोहरा तो पड़ता ही है सर्दियों में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर वगैरह में, जनवरी फरवरी तक भी पड़ता है, तो जो आपको दिखता है कि धरातल के निकट कुछ क्लाउड बने रहते हैं, कुछ बादल बने रहते हैं, उसी को हम कोहरा बोलते हैं, और ये तब दिखाई देता है। ठीक है, जब जलवाष्प या जल अपने गैसीय रूप में संघनित हो, जो ठंडी के टाइम में होता है। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर शुरू करते हैं आपका तापीय प्रतिलोमन यानी थर्मल इन्वर्जन के। देखिए यहाँ पर इस यह तापी जो हमने अभी जो ऊपर पड़ रहे थे कुहरा, तो यह जो है आपका थर्मल इन्वर्जन के कारण बनता है। इसमें संघनन हिमांक से ऊपर होता है, जलवाष्प आर्द्रता ग्राही नाभिकों जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होते हैं उनसे लिपट कर जल की छोटी छोटी बूंदें बनाते हैं जो वायु में तैरती रहती हैं, इसे ही कोहरा कहते हैं। ठीक है, आर्द्रता ग्राही नाभिकों में धूल के कण, धुएं के कण, नमक के कण और जो पराग कण, जो पॉलन ग्रेन है, ये चीज़ें हो सकती हैं। यह प्रक्रिया धरातल के निकट होती है और इसमें विजिबिलिटी जो है, दृश्यता, वो 1 किलोमीटर तक होती है कुहरे में। देखिए यहाँ पर कुहरे के कुछ प्रकार दिए गए हैं, पहला है आपका रेडिएशन फॉग, इसको बोलते हैं विकिरण कुहरा, दूसरा है कन्वेक्शनल फॉग यानी अभिवहनीय कुहरा, और तीसरा है घाटीय या पहाड़ी कुहरा यानी वैली फॉग या हिली फॉग, अगला है आपका सीमांत कुहरा यानी फ्रंटल फॉग। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब आगे देखते हैं रेडिएशन फॉग के बारे में सबसे पहले। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, दिन में देखिए ये क्या होता है, रेडिएशन फॉग जो है दिन में चलता है, सौर विकिरण होना चाहिए, वाष्पीकरण होता है और गर्म व आर्द्र वायु होती है। रात में तो पार्थिव विकिरण यानी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के कारण होता है और धरातल जो है वो ठंडा हो जाता है, संपर्क की वायु ठंडी लेकिन ऊपर की ओर वायु अपेक्षाकृत गर्म रहती है, तो तापीय प्रतिलोमन थर्मल इन्वर्जन के कारण। ठीक है, तो वायु की जलवाष्प और आर्द्रता ग्राही नाभिकों
जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई हैं उनके चारों ओर संघनित होकर छोटी छोटी बूंदें बनाते हैं। जल की बूंदों का घना समूह ही कुहरा कहलाता है। फिर यहाँ पर देखिए अभिगमनीय कुहरा, यानी जिसको बोलते हैं एडवेशनल फॉग, ठीक है। इसमें आपका जलाशय, नदी, तालाब, झीलों के निकट होता है। धरातल जल्दी गर्म एवं जल्दी ठंडा हो जाता है, जबकि धीरे धीरे गर्म एवं जल जो है वो धीरे धीरे गर्म एवं धीरे धीरे ठंडा होता है। दिन में जल एवं स्थल सौर विकिरण से गर्म हो जाते हैं, रात में जल की अपेक्षा स्थल जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है ठंडी हवा और उच्च दाब होने के कारण, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जल से ठंडी वायु जल की ओर, जल से मतलब जो स्थल है उसे ठंडी वायु जल की तरफ चलती है, जो वहाँ की अपेक्षाकृत गर्म वायु को ऊपर कर देती है। तो यही तापीय प्रतिलोमन, ये जो है यही परिणाम इसका कुहरा, यही परिणाम होता है। फिर यहाँ पर घाटी कोहरा, जिसको बोलते हैं पहाड़ी कोहरा, वैली फॉग या हिली फॉग, तो रात्रि के समय पहाड़ों से ठंडी वायु ढलान के सहारे घाटी में उतरती है, वहाँ की अपेक्षाकृत गर्म वायु को ऊपर उठा देती है, तो तापीय प्रतिलोमन के कारण, ठीक है। फिर यहाँ सीमांत कोहरा यानी फ्रंटल फॉग देखिए, तो इसमें दो अलग अलग प्रकृति वाली हवाएं टकराती हैं, एक गर्म और एक ठंडी होती है, ठीक है। गर्म हवाओं में आपकी पछुआ पवन, ठंडी पवन, ध्रुवी पवन, ये सारी पवनें हम आपकी पढ़ चुके हैं जो विंड्स वाले चैप्टर में, ठीक है। कुहासा यानी मिस्ट के बारे में देखिए, तो कुहरा का वह रूप जो मतलब उससे ज़्यादा मतलब कम कंडेंस होता है, कम सघन होता है, वही मिस्ट होता है। और इसमें 1 से 2 किलोमीटर, मेनली 1 किलोमीटर से कम इसकी विजिबिलिटी होती है, जो कुहरे में 1 किलोमीटर थी। तुषार यानी फ्रॉस्ट के बारे में देखिए, तो यह भी धरातल के निकट होता है। ओस यानी ड्यूब बनने जैसी प्रक्रिया यह भी होती है, लेकिन यहाँ पर जो संघनन है, कंडेंसेशन है, वो फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे रहता है, अब बिलो रहता है। इस कारण जलवाष्प सीधे जम जाती है, बर्फ के क्रिस्टल यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। और देखिए सबसे मेन बात यह कि जो फ्रॉस्ट होता है, जो आपका पाला होता है, ये फसलों को काफ़ी ज़्यादा हानि पहुँचाता है, प्रायः रबी की फसलों को, क्योंकि रबी की फसलों में जैसे वो अक्टूबर नवंबर का टाइम रहता है, दिसंबर जनवरी का, तो उस समय जो है ठंडी का टाइम होता है, इस समय जो कुहरा ज़्यादा पाला ज़्यादा पड़ता है, तो इस कारण रबी की फसलों को प्राय ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो बर्फ, ये बफ नहीं है, बर्फ हो जाएगा, ये ऊपर रह हो जाएगा, तो बर्फ, जब बर्फ गलेगा यानी मेल्टिंग होगी तो जल बनेगा, और जल का वाष्पीकरण होगा तो जलवाष्प बनेगा, ठीक है। और फिर यही जलवाष्प का फिर कंडेंसेशन हो जाएगा तो फ्रीज यानी जम जाएगा तो बर्फ बन जाएगा, ठीक है। बर्फ से जलवाष्प बनना, ये आपको पता ही होगा कि बर्फ से जलवाष्प बनना ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहलाता है, और जलवाष्प से बर्फ बनना यहाँ पर जो है आपका निक्षेपण यानी डी सब्लिमेशन कहलाता है। फिर यहाँ पर देखिए हम देखते हैं लिक्विड प्रिसिपिटेशन क्या, अब तो हम सॉलिड प्रिसिपिटेशन देख रहे थे, अब लिक्विड देखेंगे, बाद में गैसियस देखेंगे। तो लिक्विड प्रिसिपिटेशन, इसमें जो रेनफॉल आता है और ड्रिजल आता है, ठीक है, मतलब वर्षा और बूंदाबांदी, ठीक है। रेनफॉल द्रव जल, बर्फ द्रव जल का वर्षण है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर रेनफॉल इंटेंसिटी बराबर रेनफॉल डेप्थ अपॉन टाइम एंड सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है, या इसी को कह सकते हैं वर्षा की तीव्रता बराबर, जो रेनफॉल इंटेंसिटी है, वर्षा की तीव्रता बराबर समय गुणे सेंटीमीटर पर सेमी पर घंटे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का जो 3-4 लेक्चर में, हम लोग 3 लेक्चर में हम जो करने वाले थे प्रेसिपिटेशन को, तो उसका हमने पहला लेक्चर कंप्लीट किया है, ठीक है। अब यहाँ पर लेक्चर नंबर 7 हम लाएंगे प्रेसिपिटेशन का, उसके बाद से लेक्चर नंबर 8 रहेगा, तो उसमें आपका प्रेसिपिटेशन लगभग 16 लेक्चर्स में है, तो हम और भी कम ही में आपका कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का कंप्लीट होता है। अब ये जो मेरा नोट्स है, इसके PDF के लिए ज्वाइन करना है आपको, टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ये PDF डाउनलोड करके नोट्स अपने बना के अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस बार जो है आपका पेपर सब्जेक्टिव होने वाला है, लिखित होगा, थ्योरेटिकल होगा, जो एक बार न्यूज़पेपर में भी आया था, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से अपने क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। और इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी का कल्याण हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।